रिवीजन के बाद जब 2011 में सर्कुलर 456 निकलता है तो उसमें 23,490 का सीधे अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी जादू की छड़ी घूमती है दोस्तों कि इतना बड़ा गैप आ जाता है सडनली। जैन साथियों, वारोपी विसंगतियों में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, वो है डिसेबिलिटी पेंशन यानी विकलांगता पेंशन का, जिसमें ऑफिसर्स जेसीओज ओआरस के बीच में एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है, जो कि यदि हम बात करें फ्रॉम 4th पे कमीशन से लेकर 7th पे कमीशन तक की, और 100% डिसेबिलिटी के साथ जो भेदभाव हुआ है वो जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे मेरा अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए चलो, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी के द्वारा डिसेबिलिटी पेंशन फॉर 100% डिसेबिलिटी के ऊपर ये चार्ट बनाया गया। वॉइस ऑफ एक्सेसमेंट सोसाइटी, जैसा कि ओआरओपी विसंगतियों पर जो मेहनत करके वो ये चार्ट बनाया है, उसमें सारा कुछ रिफ्लेक्ट किया है कि क्या विसंगतियां हैं और कितना बड़ा भेदभाव इसके अंदर हुआ है, आज हम वही समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रैंक इस तरफ लिए हैं, ये रैंक सिपाही से लेके यहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक लिया है दोस्तों, यानी कि एक छोटे से रैंक से सबसे बड़ा रैंक तक लिया गया है। यहाँ 4th पे कमीशन में, इधर 4th पे कमीशन का सीरियल 4th पे कमीशन है, उसके अंदर एक सिपाही 450 रुपीज उसको मिलता था, और ऐसे नायक को, ऐसे हवलदार को, नायब सूबेदार को 550, सूबेदार को 550, सूबेदार मेजर को 550, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 750, ऑनरी कैप्टन को 750, मेजर को 750, मेजर की साल या लेफ्टिनेंट कर्नल को 750, कर्नल साहब को 750, ब्रिगेडियर साहब को 750, मेजर जनरल साहब को 750, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को 750 और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 750। ये मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर ज्यादा वेरिएशन नहीं है, तकरीबन समान है, थोड़ा थोड़ा अंतर रैंक के हिसाब से दिया गया है, जबकि ऑफिसर रैंक को 750, ऑनरी लेफ्टिनेंट या ऑनरी कैप्टन को भी 750 यहाँ पर मिला है, बाकी को आपके सामने जैसा कि मैंने बताया दोस्तों। अब 5th पे कमीशन में इनके ऊपर क्या हुआ, 5th पे कमीशन में सिपाही को 1550 रुपया मिलता है, और अब सबसे बड़े रैंक की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर मिलता है 2600, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, 6th पे कमीशन में क्या हुआ, यहाँ पर सिपाही का 3510 बढ़ता है, और सबसे बड़े रैंक की तरफ हम जाएं तो वहां पर 5880। यदि हम ऑनरी की बात करें तो 5880 उसका भी बढ़ रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ मेजर साहब का, यहाँ लेफ्टिनेंट, तो समान है 6th पे कमीशन। अब जब रिवाइज्ड इन 2011 में, जो कि 1/1/2006 से इसको रिवाइज्ड ये जब हो जाता है और सीडी का सर्कुलर नंबर 556 इस पर निकलता है, तो अब वेरिएशन आप देखिए क्या होता है, सिपाही का 3510, और जब बड़े रैंक तक हम पहुंचे तो उनका हो जाता है 27,000, और नेट इंक्रीजमेंट आफ्टर रिवीजन 2011 में जब हम देखते हैं तो क्या होता है रिवीजन के बाद, सिपाही से लेके हवलदार तक नील, जैसा कि आप इस सर्किल में देख पा रहे हैं, और नायब सूबेदार को 350, सूबेदार साहब को 470, और सूबेदार मेजर 530, ऑनरी लेफ्टिनेंट को 2220, ऑनरी कैप्टन को 2430, और मेजर साहब को 2580, और यदि 21 साल सर्विस मेजर साहब की हो जाती है तो 9540, और बहुत बड़े रैंक जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको हो जाता है 21,120 रुपए का, यहाँ पर रिवीजन के बाद उनको मिलता है दोस्त। अब डिसेबिलिटी पेंशन अंडर ORP 1 जब होता है उस टाइम क्या होता है कि सिपाही का 3,999, और यहाँ पर हम ऑनरी की बात करें तो ऑनरी लेफ्टिनेंट का 9,654, और ऑनरी कैप्टन का 10,206, और मेजर साहब का यहाँ पर 14,289, यानी 4,289, इनका 4,000 का सीधे सीधे फायदा है, और मेजर साहब यदि 21 साल कर लेता है तो उसका 20,859 हो जाता है, और बड़े रैंक में जाए तो 27,000 सीधे बढ़ जाता है। 7th CPC के बाद 1 जनवरी 2016 से एक सिपाही 10,277 में पहुंचता है, तो वही सबसे बड़ा रैंक 75,000 उसको मिलता है, बाकी बीच वाला रैंक आप देख सकते हैं, ये चार्ट आपके सामने है पूरा, आप इसमें डीपली स्टडी हर रैंक वाइज कर सकते हैं दोस्तों। अब उसके बाद जब हम टोटल इनका इंक्रीज जो 1 जनवरी 2006 से होता है, सिपाही को इंक्रीज होता है 6,767 रुपया, और सबसे बड़े रैंक को यहाँ पर होता है 69,120, सीधे फायदा होता है, तो 20 में ये जो भी है बढ़ोतरी
ये आप देख पा रहे हैं आपके सामने है। परसेंटेज की हम बात करें तो सिपाही का यहाँ पर 193% होता है और सबसे बड़े रैंक तक जब पहुंचते तो यहाँ पर 1176% इनकी इंक्रीज होती है। तो परसेंटेज का भी यहाँ पर अंतर आप देख सकते हैं कि कैसे बढ़ोतरी हुई। नीचे से एक सिपाही से लेके यदि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक पहुंचता तो कितना कितना अंतर, यानी कि इतना इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है दोस्तों। अब इसी पर हम इसका विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण में बताएंगे कि क्यों ये बढ़ा और इसके पीछे क्या रीजन रहा, किस तरह से इसको बढ़ाया गया, कहां से ये बढ़ा। आप मेरे साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना, आगे बताते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं दोस्तों डिफरेंसेस लोअर रैंक से हायर रैंक तक कितना है, ये हम देखते हैं। इस तरफ आप देखेंगे पे कमीशन है, इस तरफ डिफरेंसेस रुपीज में आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे कि फोर्थ पे कमीशन में 300 रुपए का डिफरेंस था, जैसा आपने ऊपर देखा। फिफ्थ पे कमीशन में 1050 रुपए का अंतर था। आफ्टर रिवीजन जो सर्कुलर नंबर 456 निकलता है 2011 में, उसके अनुसार इनका हो जाता है डिफरेंसेस 23,490 रुपए का। आफ्टर सेवंथ सीपीसी ये बढ़ के हो जाता है 64,722 रुपया। दोस्तों अब इसी डिफरेंसेस से पता चलेगा कि खेल कहां से शुरू हुआ और कितना यहां पर गैप कर दिया गया। इस पर हम एक छोटा सा विश्लेषण कर लेते हैं जो कि आपके सामने मैंने लिखा है और मार्क भी किया हुआ है दोस्तों। टीएजी रिपोर्ट ऑन मार्च 29, 2023, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने यह साफ कहा, जिसमें बताया गया था कि ऑफिसर्स की संख्या 40% है, वहीं जेसीओ जवार्स की 18% पाएगी। कहां पाएगी? जो कि 100% डिसेबिलिटी लेते हैं उन पर इतना अंतर है, जबकि आप जेसीओ जवार के स्टंट देखो कहां है और ऑफिसर्स की स्टंट देखो कहां है, और वो 40% का लाभ यहां पर ले रहे थे। ये रिपोर्ट सरकार ने भी मानी, सीएजी ने ये रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है दो। और उसमें भी चौंकाने वाली बात ये थी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स थे उनकी परसेंटेज ज्यादा थी इन कंपैरिजन टू जो नॉर्मल आर्मड फोर्सेज ऑफिसर्स हैं। ये सारा सीएजी रिपोर्ट में लिखा गया है, ये आपने देखा भी और इसको पढ़ा भी पहले। सेकंड में आपने देखा फोर्थ सीपीसी में सिर्फ 300 रुपए का फर्क था और फिफ्थ में 1050 का था, सिक्स्थ में 2370 का था। और रिविजन के बाद जब 2011 में सर्कुलर 456 निकलता है तो उसमें 23,490 का सीधे अंतर हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सी जादू की छड़ी घूमती है दोस्तों कि इतना बड़ा गैप आ जाता है सडनली। और यही आप समझ सकते हैं कि वहीं जब एक सिपाही से हौलदार तक नील और नायब सूबेदार, सूबेदार ऑनरी, कैप्टन तक थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ जाता है, वहीं मेजर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक, और यहीं से शुरू होता है खेल दोस्तों। जैसा कि आप फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, इसके बाद यह गैप बढ़ता ही गया। नंबर वन में ओआरओपी रिवीजन वन में जैसे आपने देखा, सेवंथ सीपीसी में आपने देखा, और ओआरओपी टू रिवीजन में भी अब आप देख रहे हैं, और आने वाले समय में इस पर कुछ नहीं हुआ तो यह गैप बढ़ता ही जाएगा। दोस्तों हमारा मकसद किसी को टारगेट कर आहत पहुंचाने का नहीं है, पर सच्चाई सामने लानी जरूरी है। मैं फिर भी कहता हूं जो पे कमीशन में रहे होंगे या जिन्होंने जेसीओ जवार के हितों को नजरअंदाज कर पे कमीशन को रिकमेंडेशन भेजी होगी, अब वह भी इस गैप को स्वयं देखेंगे तो उनको भी जरूर समझ में आएगा कि यह जेसीओ जवार के साथ बहुत गलत हुआ और नाइंसाफी हुई थी। छठा, जो भी कमेटी और पे कमीशन गठित होता है सरकार को चाहिए कि वह जरूर जेसीओआर से भी एक प्रतिनिधि रखें ताकि चीजें आगे ठीक हो सके। इस अंक में इतना ही। वीडियो यदि आपको ठीक लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।